These are the list of popes jinki jo hai bekaar list hai jin hai aap dekhen ye last wala main karta hu ye wala Peter the Abelard or I will close it for today. Peter the Abelard kaun sa hai pehle to ye bata do ye inko ye kaun hai aajkal ke before we tell you about him. उर्दू के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये प्लीज मेरी बात समझिए आप वेरी इंपॉर्टेंट इस चीजों को स्मॉल टॉक नहीं करें यानी किसी से स्मॉल टॉक का मतलब ये नहीं है कि किसी से पॉइंट जीतना हो तो आपने दो मारा ये लोग आप उसके साथ सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं वो इंटरेस्टेड है कुछ चीजों में आप कुछ चीज समझाना चाहते हैं तो इसको खूबसूरती से बात करें बात समझ रहे ये सिर्फ ये नहीं है कि पॉइंट जानने यू नो टू विन अ पॉइंट आपने जो उठा दीजिए दे मारा किसी को अल्लाह ताला ने बात कहा है ना कुरान में कि उनके खुदाओं के बारे में बात इस तरह से मत करो क्योंकि जो जाहिल होगा वो तो वापस रिप्लाई जहालत में करेगा ना आपके पास इल्म है तो यू नो डिस्कस इन इसको बहुत अच्छी तरह से आप पेश करें कि लोगों को इन्फ्लुएंस हो और द बेस्ट वे टू डिस्कस दिस इज डिस्कस की यूरोसेंट्रिसिज्म की ये देखिए ये हिस्ट्री है इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो पीटर एबेल पोप बेनेडिक्ट 16 जो जिस पोप ने अभी रिजाइन किया है द सेकंड पोप टू डू दैट इन हिस्ट्री वाज इट द थर्ड आई कैन रिमेंबर तो वो जो है उसने इसके इसके बारे में क्या कहा है तो ये जरा से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं द पोप रिकॉग्नाइज्ड the great achievement of Abelard, who made a decisive contribution to the development of scholastic theology, which eventually expressed itself in a more mature and fruitful way during the following century. Pope Benedict XVI concluded that Bernard's theology of the heart and Abelard's theory of reason represent the importance of healthy theological discussion. And he continued and says, even Albert Abelard himself always recognized without any hesitation the authority of the magistrum. Abelard showed humility in acknowledging his errors and Bernard exercised great benevolence. So, just give you a background. Christianity mein do school of thought ban gaye the. Ek tha ki jo kehta tha ki akal se hum har cheez analyze kar sakte hain. Aur ek dusra tha jo kehta tha sirf उसको क्या कहते हैं वर्ड व्हाट इज द वर्ड रब्बानियत रब्बानियत यू नो मॉन्क्स यू नो थ्रू यू नो रहबानियत उसी से उसके थ्रू मोनास्टिसिज्म से ठीक है तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा कोलाइड करते थे एबेलार्ड वाज फ्रॉम द स्कूल ऑफ थियोलॉजी ऑफ रीजन अकल तो ये साहब कौन थे तो ये काफी फंडामेंटल फिगर है कैथोलिक चर्च में ये फ्रांस में पैदा हुए थे और इन्होंने जो है बहुत बड़ी ही बिकेम टू थिंक हिमसेल्फ द ओनली अनडिफीटेड फिलोसोफर इन द वर्ल्ड ठीक है इतने जो फलसफी में आ गए एक्चुअली जी मेरा पहला इंट्रोडक्शन इस आदमी से हुआ था मेरी हिस्ट्री की क्लास में इन कॉलेज तो उसका इंसिडेंट आपको बताते हैं बाद में क्या हुआ तो इन्होंने क्या हुआ जब इतने जो पावरफुल हो गए तो एक कॉमन जो प्रीस्ट था उन्होंने कहा कि भाई आप इतने अच्छे हैं और इतने जहन हैं और आप इतना अच्छा सिखा रहे हैं दीन के बारे में आप मेरी भांजी को भी आते या भतीजी आई कैंट रिमेम्बर भतीजी थी या भांजी थी भतीजी थी शायद आके हमको जो है ना हमारी भतीजी को भी सिखाएं उसका नाम था हेलेन हेलियोस तो उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल पढ़ाएंगे फिर वन थिंग लेट वन इज द शैतान तो शैतान किसने कहा मेरी भतीजी को पढ़ाओ एक प्रीस्ट ने क्योंकि वो प्रीस्ट ने कहा इसको प्रीस्ट को इस स्कॉलर को ये स्कॉलर है पीटर स्कॉलर है अच्छा स्कॉलर ठीक है तो अब जो ये हुआ कि थियोलॉजियन भी है ना राइट स्कॉलर थियोलॉजियन जैसे आलिम जिसको आप कहेंगे तो वो जो है उन्होंने कहा कि ठीक है हम पढ़ाएंगे आपको आपकी भतीजी को अब वो यू नो शैतान तो शैतान इसीलिए इस्लाम में ये सब चीज का अच्छा रिस्ट्रिक्शन रखे हुए उनके साथ रिश्ता हो गया वो प्रेग्नेंट हो गए
नहीं, रिश्ता रिश्ता तो शादी को भी कहते हैं रिश्ता ना, तो यहाँ शादी नहीं हुई, रिश्ते को वाजे रखें, मतलब वही तो मैं रिश्ता कह रहा हूँ। अब आप कहिए, आप ये कहना चाहते हैं कि इललेजिटिमेट रिलेशन ताल्लुक बन गया, ठीक है, गैर शरई ताल्लुक चले, तो उन्होंने जो है अब इनको प्रॉब्लम होगी, तो इन्होंने वादा किया लड़की से कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, हम किसी को बताओगे, लेकिन इसने अपने अंकल को बता दिया। तो अंकल ने कहा ये क्या बात हुई, इतना बड़ा अपने आदमी कहता है और ये जो शादी कर, शादी नहीं करेगा, शादी करोगे? उसने कहा ठीक है, बहुत जब बहुत धमकी हमकी दी तो उसने कहा कि ठीक है हम शादी करेंगे, लेकिन एक शर्त पे, वो क्या कि ये शादी को छिपा के रखो और जब तक बच्चा नहीं होता इसको जो है ननरी भेज दो, नन समझ जैसे माउंस होते हैं वैसे नन्स के साथ। उसने कहा ये क्या बात हुई, इसने रात में दो चार गुंडे हायर किए, ये इनके घर में आए और इनका जो है पिटाई करी और पिटाई करने के साथ इनका फिजिकल कैस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। अब ये इनको भागना पड़ा और ये बात जब मेरी हिस्ट्री क्लास में, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पहली दफा जब बोली तो इतनी जोर से सब पूरी क्लास हंसी, कितने थे 20-25 लड़के थे और टीचर ने, उसकी लंबी सी छोटी थी वो थी, और उसने कहा, उसने जो बात की वो मैं आपको रिपीट करता हूँ, इसको री एम्फसाइज करता हूँ, उसने कहा एंड दिस इज हाउ ऑल रिलीजियस पीपल आर, और ये बात मेरे को बहुत बुरी लगी, जनरलाइज कर दिया उसको, मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगी। तो मैं क्लास के बाद से मैंने जाके उससे पूछा कि तुमने ये बात क्यों की, कहने का और रिलीजियंस आर लाइक दैट, मैंने कहा हाउ डू यू नो, मेरी उसकी लंबी बहस हो गई और मैं मतलब बहस जो हुई वो बहुत ठीक ठाक से हुई और उसने मेरे को प्रोजेक्ट दे दिया कि तुम जाके ये प्रोजेक्ट करके लाओ, मैंने कहा हम प्रोजेक्ट अपने हिसाब से लिखेंगे। तो उसने वो जो प्रोजेक्ट जो वो लिखवाना चाह रहा था वो मैंने नहीं लिखा, मैं अपने मामू के पास गया, मैंने जो है वो जो चीजें लिखी जो पूरी अगेंस्ट एथिज्म और सेकुलरिज्म के खिलाफ मैंने लिखी थी, मैंने कहा तुमको अगर मार करना रॉन्ग तो मार करो लेकिन यही लिखूंगा। तो वो जो है उसने देखा, उसने कहा ये मेहनत तो की है तुमने, ठीक है तुमको हम बी दे देते हैं, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, तो कहने का ठीक है तो मैं बी से निकल गया वहां से। तो बहरहाल लेकिन लड़ाई हो गई थी उसके साथ, तो उसके बाद से मैंने तय किया कभी ये इस तरह की क्लासेस में कभी नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये। तो बहरहाल तो ये स्टोरी है, मैं इसे कंक्लूड करता हूँ कि ये है इनके इंटेलेक्चुअल की हिस्ट्री। आप ये बताएं जो टीचर ने अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ चुका है, पढ़ा है किसी ने, और आजकल मुसलमान जो सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या यूरोपियन ओरिएंटेड हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे तो आपका क्या ख्याल होगा इस्लाम और इस्लाम के सलफ। मुझे 5 मिनट दे दें, इमाम बुखारी की बात बता दें कि देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। इमाम बुखारी की ये बात लोगों को पता नहीं है, इमाम बुखारी क्यों इमाम बुखारी है तो सुने आप लोग और समझें इस बात को और उसके ऊपर तदब्बुर करें। इमाम बुखारी एक जगह जा रहे थे कश्ती पर, उनका बैठने का कश्ती को यू नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज यू नो कैनो, ही वाज गोइंग, वहां पर एक चोर बैठा हुआ था, उनके साथ आके उन्होंने दोस्ती की। उसने पूछा भाई आप कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी आपने बताया, कहने तब तो आपके पास बहुत पैसे होंगे, आई एम रिपीटिंग इट बट आई लाइक टू रिपीट दिस। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ पैसे हैं मेरे पास, कितने हैं? 1000 अशरफी है, अशरफी आई डोंट नो व्हेदर गोल्ड कॉइंस और सिल्वर कॉइंस व्हाटएवर, गोल्ड की पूरी लाइफ की वो सेविंग, ठीक है इट डजंट मैटर व्हेदर लाइफ थी नहीं, एट दैट मोमेंट ही वाज, मेरे पास अगर $10 है मैं सफर कर रहा हूँ, $10 इज द माई होल थिंग, ठीक है कभी भी ऐसा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ये चोर ने शोर मचाया, ये चोर ने शोर मचाया कि मेरी 1000 अशरफियां चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा, बोट वाले ने कहा कि भाई मेरे साथ 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ, हम सबकी तलाशी लेंगे। सबकी तलाशी उसने ली और वो 1000 अशरफियां किसी के पास नहीं थी। तो उसने कहा तुम झूठे हो, तुम फसाद कर रहे हो, कोई किसी के पास नहीं थी। ये झूठा बन गया। जब उतरने लगे वापस, जब डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा
उस चोर ने कहा, शेख इतने सालों से मैं चोरी कर रहा हूँ, कोई मेरे पास से बच नहीं पाया, मेरे ट्रिक से, मेरे ट्रिक से, आप बता दे आपने छिपाई कहाँ है। इमाम बुखारी, दिस इज हक उन्होंने हाथ में आग डाली और कहेंगे कोई मसला नहीं, हमने तो फेंक दी थी पानी में, उसकी तो यू नो दिमाग नहीं, फेंक दी, कहेंगे फेंक दी क्यों, कहेंगे जिस मकसद के लिए मैं निकला हूं तो हिस्ट्री तारीख क्या कहती इस बात के। दो ग्रुप होते ना, एक ग्रुप होता कि इमाम बुखारी सही, और एक ग्रुप कहता, भले वो एक ही आदमी होता, वो कहता ये चोर की अशरफियां थी, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये तवक्कल किया अल्लाह पर कि अल्लाह हमको पहुंचाएगा, क्योंकि उसके मकसद के लिए निकले हैं, मैंने ये हजार अशरफी फेंक दी। एंड गेस व्हाट हैपेंड टू दिस चोर, इनके साथ चलने लगा मुसलमानों, एक ये है और एक ये लोग हैं, इनकी हिस्ट्री पढ़कर आप उनको जज करते हैं, हालांकि उल्टा होना चाहिए, इमाम बुखारी, इमाम शाफी, ये लोग तो इमाम है, अरे मैं कहता हूं कि औरंगजेब की हिस्ट्री आप पढ़ लेना, उससे आप इनको जज करें, आज उल्टा है, इनकी हिस्ट्री पढ़कर, पीटर एबेलैड की हिस्ट्री पढ़कर आप रिलीजन को हमारे इमाम जज कर रहे हैं। अजीब बात, दैट्स ऑल आई कैन से। जज़ाकअल्लाह खैर।